हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल हैक के बारे में, जो रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैक हो रहे हैं और उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है और किस तरह से हम यूट्यूब चैनल को वापस ला सकते हैं, जो प्रोसीजर रहता है वो कैसा रहता है, कितना टाइम लगता है, सारा चीज़ जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ख़ास करके जो है मैं ज्ञानी 2.0 चैनल जो है, जो एक चैनल है हैक हुआ है, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था, मगर यूट्यूब पे अभी कुछ दिनों से इसके बारे में बहुत से भाई लोग जो है वीडियो बना रहे हैं कि हेल्प ज्ञानी 2.0 चैनल, ज्ञानी 2.0 चैनल हैक हो गया है, हेल्प कीजिए। तो ऐसा वीडियो जो है मेरे को यूट्यूब में देखने को मिल रहा है और कुछ वीडियो मैंने देखा है, खासकर जो है ज्ञानी 2.0 का जो जो चैनल है उनके ही जो ऑनर है, उन्होंने जो दूसरा चैनल पे अपने जो वीडियोज़ है डाले हैं और उन्होंने जो चीज़ उनके साथ जो हो रहा है फिलहाल, YouTube टीम के साथ कैसा उनका मतलब क्या हो रहा है, सारा चीज़ जो है वो वीडियो में बनाया है। तो पिछले जो 2-3 दिन से मैंने उनका वीडियो देखा है और कल ही मैंने उनका एक वीडियो देखा है जिसमें वो YouTube टीम के ऊपर में जो है थोड़ा सा भड़क रहे हैं कि उनको जो है यूट्यूब टीम की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं जो है मेरे साथ क्या क्या हुआ सारा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या भाई बड़ा चैनल हो जाने से क्या आपको मतलब सपोर्ट मिलेगा, या फिर जो छोटे यूट्यूबर हैं जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा रीच नहीं है, जैसे कि मेरा चैनल जब हैक हुआ था मैंने अपने दूसरे चैनल YT सपोर्ट इन हिंदी में मैंने वीडियो डाला था कि भाई मेरा चैनल एक्शन का रिएक्शन हैक हो गया है और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस टाइम मैं उस वीडियो को शायद कुछ व्यूज़ नहीं आए थे, वो वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा था और कोई ज़्यादा खास लोग जो है मेरे पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चला कि मेरा चैनल हैक हुआ कब वापस आया। तो कुछ ही गिने चुने जो है कुछ 100-200 लोगों को ही शायद पता होगा या फिर उससे भी कम लोगों को पता होगा कि मेरा चैनल हैक हुआ। तो इस वीडियो में मैं जो है पूरा प्रोसेस बताऊँगा और क्या बीतता है अपने आप पे जब आपका चैनल हैक होता है, तो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा। और ज्ञानी भाई जो है उनको उनका भी जो जो समस्या है ना, जो मतलब वो उनको जो अभी लग रहा होगा ना, वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ जो है मेरे साथ भी हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जो है हमारा चैनल हैक क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी कुछ ना कुछ गलती रहती है। हम जो है हैकर को अपने सिस्टम में या फिर हमारे जो कंप्यूटर है या फ़ोन में हम जो यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको जो है एक छोटा सा मतलब परमिशन दे देते हैं कि वो हमारे सिस्टम में अंदर में घुसे और हमारा जो पासवर्ड आईडी पासवर्ड होता है उसको चोरी करने का हम मौका दे देते हैं जाने अनजाने में। देखो, अनजाने में ही देते हैं मगर जान के तो कोई ऐसा नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो मैंने जो गलती किया था वो था कि मैंने फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के चक्कर में, जैसे कि मेरा एडिटिंग चैनल है और मैं एक फ्री टेम्पलेट चाहता था अपने वीडियो में यूज़ करने के लिए, इसके लिए जो है मैंने यूट्यूब में ही सर्च किया, उस पर जो है एक हैकर ने जाल बिछा हुआ था। उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन में वो टेम्पलेट फ्री टेम्पलेट की जगह में जो है अपना जो किसी हैकिंग का कुछ सॉफ्टवेयर लिंक दिया हुआ था, उसको मैंने डाउनलोड करके जब मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरा जो पूरा सिस्टम है वो कुछ ही सेकंड में, क्योंकि मेरा जो नेट कनेक्ट था वो इंटरनेट के थ्रू ही, वो कुछ ही सेकंड में मेरा पूरा सिस्टम को उसने हैक कर दिया। मेरा आईडी पासवर्ड सब जो है उसके पास चला गया था और ये प्रोसेस जो ये जो चीज़ हुआ था रात को लगभग 9-10 बजे के बाद है और मेरा सिस्टम में बहुत सारे पॉपअप जो है वो खुलने लगे थे। तो मैं थोड़ा उस टाइम में मुझको थोड़ा सा शौक लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और मैंने बहुत ही जल्दी मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, 30-40 सेकंड का ही है, और जैसे ही पॉपअप आया तो मैं अपना नेट कनेक्ट वगैरह सब डिसकनेक्ट करके कंप्यूटर को जो है मैंने शट डाउन कर दिया। मगर ये इतना टाइम जो है काफ़ी होता है एक हैकर को पूरा जानकारी लेने के लिए, क्योंकि वो लोग उसका जो सॉफ्टवेयर होता है या कुछ भी जो वो लोग बनाते हैं, कुछ वायरस जो बनाते हैं ना, उनका जो प्रोसेस है नेट के थ्रू होता है और इंटरनेट कनेक्ट से वो लोग कुछ ही सेकंड में आपका पूरा डेटा जो है वो चोरी कर लेते हैं। मेरे केस में भी ऐसा हुआ, मेरा पूरा डेटा चोरी कर लिया, मेरे कंप्यूटर में जितना भी मेरे वीडियोस थे, इमेज थे, जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे, सबको उन्होंने जो है एक पता नहीं कौन सा अलग तरह का फोल्डर में कन्वर्ट कर दिया था और हर फोल्डर में जो है एक मैसेज उन्होंने छोड़ा हुआ था कि आपका जो है
मतलब आईडी जो कंप्यूटर है वो हैक हो गया है, और उसमें मतलब पूरा रैंसम लिखा हुआ था भैया कि आपका चैनल हैक हो गया है, मतलब आपका आईडी हैक हो गया, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है अगर 24 आवर के अंदर अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको जो है उन्होंने डिस्काउंट भी दिया था भाई, 50% डिस्काउंट, और उन्होंने जो लगभग हमने उस टाइम में एस्टिमेट किया था भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर लगभग वो लोग जो है उन्होंने 45 या 50 हज़ार का डिमांड किया था, और 50% नहीं, 80 हज़ार का डिमांड किया था, और 50% में जो हमने कैलकुलेशन किया था तो लगभग 40-45 हज़ार के आसपास जो है इंडियन रुपीज़ जो है आ रहा था। तो भैया इतना रुपया तो हमने यूट्यूब पे कभी एक साथ कमाए नहीं, तो हम कहाँ से दे सकते हैं। तो फाइनली मैंने क्या किया, तो अपना कंप्यूटर को चलो हटाओ, जो गया गया, मेरे सारा प्रोजेक्ट जितना वीडियो था उसको मैंने मतलब जाने दिया, और मैंने अपने कंप्यूटर को जो है रिस्टोर करवाया, तो मेरा आज भी मेरा जितना भी वीडियो था वो सब गया, जितना भी डेटा था सब गया, मेरी फैमिली फोटोज वीडियोज जो थे सब गए। अब भाई बात करते हैं कि प्रोसेस के बारे में, तो उसके बाद में तो मैंने और मेरे जो भाई हैं मोहम्मद आलम भाई ने, मैंने उनको जो है फ़ोन किया, उनको सारा चीज़ बताया, और अंग्रेजी में लिखना या मेल करना मेरे को उतना समझ में नहीं आता, यानी ये अंग्रेजी में मेरा तो हाथ बहुत ही कम है, मैं उतना लिख पढ़ नहीं सकता हूँ। तो मैंने अपने भाई से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने जो है यूट्यूब के हेल्प एंड फीडबैक में जाके वहाँ से जो यूट्यूब के मेल करते हैं, तो मेल हमने यूट्यूब को किया कि हमारा चैनल हैक हुआ है, तो यूट्यूब की तरफ से जो रिप्लाई होता है ना, तो वो जो है मेन चीज़ है। हम जब एक मेल भेजते हैं ना यूट्यूब को हेल्प एंड फीडबैक में जाके, तो ऐसा नहीं है भाई कि जिस दिन आपने मेल किया और दूसरे दिन ही आपको मेल का रिप्लाई आ गया, तो भैया जो मेल का रिप्लाई आता है ना तो वही ही 2 दिन 3 दिन के बाद आता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है कि आप इतने बड़े परेशानी में हो, और ज्ञानी 2.0 जो है ज्ञानी भाई हैं उनके साथ भी यही हो रहा है, वो यूट्यूब को मेल कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में बहुत सारे वीडियो सपोर्टर लोग जो है बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो है उनके लिए वीडियो बना चुके हैं, उन्होंने मेल भी किया है, मगर यूट्यूब की तरफ से जो रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ होता है, चाहे आप कितने बड़े यूट्यूबर हों, आप बहुत बड़े यूट्यूबर का बात नहीं कर सकता, जैसे गूगल माम हो या टेक्निकल गुरु जी, तो उनका साथ उनका जो है यूट्यूब टीम के साथ जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता होगा, मगर जो नॉर्मल यूट्यूबर हैं जो 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हैं या फिर इतने भी नहीं भाई, या 30-40 हज़ार या 10 हज़ार 20 हज़ार सब्सक्राइबर का तो छोड़ ही दो, उनको तो कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं देंगे यूट्यूब टीम। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मेल करते थे हम, जो भी मेल करते थे तो उसका 2 दिन 3 दिन में रिप्लाई आता था, तो ये प्रोसेस जो है प्रोसेस बहुत ही लंबा चलता है। और जैसे कि ज्ञानी भाई ने भी उनका लास्ट कल मैंने वीडियो देखा था, तो उन्होंने कहा कि भैया 2 महीना अगर चैनल वापस आने में लगेंगे तो 2 महीने में तो एक भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकूंगा, तो कुछ नहीं, तो चैनल तो ऐसे गया। तो ऐसे ही चीज़ जो है, ऐसा ही सोच मेरा भी था कि भैया चैनल तो चला गया, अब चैनल वापस नहीं आते तक देखो क्या होगा, चैनल हैकर क्या क्या कर सकता है इस टाइम में, आपका चैनल का नाम चेंज कर सकता है, आपके चैनल के वीडियोज़ को डिलीट कर सकता है, तो ऐसा चीज़ जो हो सकता है इस चीज़ का हमेशा डर रहता है, और हमेशा आप यही सोचते हैं कि भाई कितना जल्दी आपका चैनल यूट्यूब आपको वापस कर दे तो आप जो है फिर से उसमें काम कर सकें, मगर ऐसा होता नहीं है, बहुत टाइम लेता है यूट्यूब। आप जो है देखो प्रोसेस ऐसा है, पहले आप यूट्यूब को मेल करोगे कि आपका चैनल हैक हुआ है, तो उधर से यूट्यूब टीम, यूट्यूब इंडिया हो या यूट्यूब टीम हो कोई हो, वो आपको जो है रिप्लाई करेगा, तो भैया आपका चैनल अगर हैक हुआ है तो आप जो है कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करो, प्रूफ सबमिट करो, तो आपको जो है प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि आपका इस डेट में, तो जैसे मेरे केस में हुआ था, तो जिस डेट में मेरा चैनल हैक हुआ था मैंने उस डेट को दिया था, और उसके बाद में जब हैकर ने क्या किया था, दूसरे रोज़ सवेरे जब मैंने कंप्यूटर सेंटर में जाके जहाँ से मैंने कंप्यूटर बनाया था वहाँ लेके मैं दिया था, तो वहाँ फिर से मैंने नेट कनेक्ट करके देखा था, तो मेरा जीमेल आईडी जो है मतलब मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो चुका था, और मेरा जीमेल अकाउंट जो है उसको हैकर ने डिलीट कर दिया था, तो वहाँ पर जो है मेरा मतलब ऑलरेडी जो है मैंने वहाँ पासवर्ड सेव कर रखा था, तो वहाँ से जो है मैं अपना जीमेल आईडी को रिकवर किया मैंने, और उसमें जो है उस टाइम में जो है मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया था, फोटो वगैरह ले लिया था, तो वो सारा चीज़ जो है मैंने सबमिट किया था कि भैया
मेरा इतना चैनल को हैक हुआ था, और ये आईडी क्योंकि हैकर ने जब दो तीन बार पासवर्ड भी चेंज किया है, और उसने जो है अपना फ़ोन नंबर भी वहाँ दिया था वेरिफिकेशन कोड वगैरह के लिए, जो है जो ओटीपी वगैरह आता है उसके लिए उसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया था। तो सारा चीज़ जो है डिटेल मैंने फ़ोटो लिया था और सारा चीज़ जो है मैंने सबमिट किया था। उसके बाद में फिर यूट्यूब टीम ने फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो वो सारा चीज़ भी दिया, जैसे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल में जो एडसन अकाउंट लिंक है तो उसका डिटेल दो, उसका स्क्रीनशॉट भेजो, तो वो सारा चीज़ जो है मैंने फिर से दिया। तो ये सारा प्रोसेस में ना भैया 1 हफ्ता निकल जाता है, और 1 हफ्ता या उससे ज़्यादा ही निकल जाता है। उसके बाद में फिर यूट्यूब टीम जो है वो बोले कि ओके ठीक है, आपने जो जो हमसे जो जो मतलब आपसे पूछना था हमने पूछ लिया है, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए थे हमको मिल गया है, अब हम क्या करेंगे उस चीज़ को हम अपने जो ऊपर लेवल के हैं, हाई लेवल के जो उनसे ऊपर हैं जो YouTube टीम है, तो उनके पास हम सारा चीज़ सबमिट करेंगे। अब वो सारा चीज़ जो है ऊपर लेवल में जो है वो सबमिट कर देंगे। अब भैया इसके बाद जो है टेंशन शुरू होता है कि अब जो YouTube टीम के साथ आप जो मेल करते रहेंगे, पहली चीज़ तो ये कि जो चीज़ भी आप अपडेट अगर उनसे मांगना चाहेंगे, भाई क्या हुआ है, जो मैंने ये रिक्वेस्ट किया था उसका अपडेट के बारे में क्या है, तो यहाँ से उनका जो आंसर है ना वो यही होगा कि ऊपर टीम से अभी तक हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, जब तक वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। तो ये चीज़ जो होता है, और इस चीज़ में ना आप हर रोज़ यही सोच रहे हैं कि हर रोज़ मैं हर रोज़ अपना चैनल को देखता था, चैनल तो दिखता था मगर हर रोज़ यही डर लगते रहता था कि कहीं मेरा चैनल जो है वो डिलीट ना कर दे हैकर, कहीं वीडियोस को डिलीट ना कर दे, रिमूव ना कर दे, मेरा चैनल का नाम वगैरह चेंज ना कर दे। तो यही सारा डर जो रहता है, और हम यही सोचते रहे कि भाई कितना जल्दी YouTube हमको हमारा चैनल जो है वापस करे, हमको हेल्प हो सके, या फिर कोई ऐसा बंदा हमारे सामने आए जो बोले कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका चैनल मैं वापस कर दे रहा हूँ। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, चाहे जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट में क्या कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, या फिर आपके लिए जो है ट्विटर में ट्वीट कर सकते हैं, उसके बाद में जो है मेल में मेल कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ जो है ये टेंशन जो है आप ही के ऊपर रहता है, और यूट्यूब टीम उसकी मर्जी है वो कितना जल्दी है जो है आपका काम करता है। और ये चीज़ में जो है प्रोसेस में महीना 2 महीना, 2 महीना तो नहीं कहूँगा, मेरा लगभग 1 महीना लग गया, लगभग 15 दिन के बाद जो है फिर यूट्यूब टीम से मुझे जो है मिला है कि भाई चलिए जो हमारे ऊपर के जो लेवल के जो टीम है उन्होंने कंफर्म किया कि आपका चैनल जो है हैक हुआ है। अब भाई हमने सोचा कि चलो हमारा कंफर्म तो कर लिया यूट्यूब टीम ने कि हमारा चैनल हैक हुआ है, तो अब जो है हमारा चैनल बहुत जल्दी आ जाएगा, इस उम्मीद में हम थे। अब यूट्यूब टीम ने जो है फिर मेल किया कि भाई आपको जो है एक ब्रांड न्यू अकाउंट बनाना है, और उसका जो है आपको मतलब लिंक हमें सेंड करना है ब्रांड अकाउंट बना के। तो वो चीज़ भी हमने कर दिया, एक नया ब्रांड अकाउंट बनाया, उसका लिंक भी सेंड कर दिया। अब क्या होता है कि हम जो है यूट्यूब टीम को भेजेंगे, यूट्यूब टीम फिर ऊपर वाले टीम को जो है जो ऊपर पोस्ट वाली टीम को उसको सबमिट करेगा। तो हमने ब्रांड अकाउंट बना के दिया यूट्यूब टीम को, यूट्यूब टीम ने जो है उसको भेज दिया अपने ऊपर वाले लेवल पे। अब फिर हम वेट कर रहे हैं कि भाई ब्रांड अकाउंट भी बना के भेज दिया, यूट्यूब टीम ने कंफर्म कर दिया कि हमारा चैनल हैक हो गया है और वो रिकवर कर देंगे, इसके लिए ब्रांड अकाउंट बनाया है, तो सारा चीज़ हमने कर दिया। अब यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ भाई कि हमें सारा चीज़ होने के बाद में वहाँ से रिप्लाई आता है, नहीं, इसमें भी मतलब नहीं, क्या ऐसा है कि 10-15 दिन लग गए ऐसे। इस बीच में मेरा चैनल जो है चैनल के वीडियोस डिलीट हो गए, मेरा चैनल का जो है नाम चेंज हो गया, और जो है एडसन अकाउंट जो लिंक था एडसन अकाउंट भी वहां से अलग हो गया, सारा चीज़ जो है चेंज हो गया था। अब इस चीज़ में जो है गुस्सा हमें भी आ रहा था, मेरे भाई जो है वो मेरे तरफ से मेल कर रहे थे, सारा चीज़ जो है वो कर रहे थे, तो हमने बहुत ही गुस्से में भी बहुत सारा मेल जो है लिखा यूट्यूब टीम को, मगर जो है जो प्रोसेस है वही है भाई, उनका रिप्लाई जो है नहीं किया। आप आज भेजोगे ना तो आपको 2 दिन के बाद ही रिप्लाई आएगा, तो ऐसे में जो है फ्रस्ट्रेशन होना मतलब सही बात है, बहुत ही गुस्सा लगता है कि भाई इतना मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर हमने 2-2.5 साल मेहनत करके 1 लाख सब्सक्राइबर बनाया है, हैक हुआ है, आपने कंफर्म भी किया है, मगर इसके बाद जो है आप कम से कम एक मेल का रिप्ले एक 24 आवर्स के अंदर तो कम से कम दीजिए,
जब आपने कंफर्म कर दिया है तो चैनल वापस तो कर दीजिए। तो ऐसा भी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं आपका चैनल वापस आते आते, मतलब मुझे 1 महीना से ऊपर हो गया मेरा चैनल वापस आते आते, मेरे वीडियोस सारे डिलीट थे, तो वीडियोस को फिर यूट्यूब ने जो है एक साथ सब नहीं मतलब दिए, वापस किए, धीरे धीरे करके आए। उसमें फिर हैकर ने बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह जो चेंज किए थे, वो सारा चीज़ को सेट करते करते मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया। तो भाई ये होता है यूट्यूब टीम, और हमारे साथ अगर हमारा चैनल हैक होता है तो इस पर जो है हम या आप कुछ नहीं कर सकते, सारा कुछ जो है उन्हीं के मर्जी के ऊपर है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कुछ एक मतलब गुस्से में अगर कुछ लिखते हैं तो उनका रिप्लाई यही रहेगा कि सिर्फ आपका ही एक चैनल इस प्रॉब्लम में नहीं है, बहुत सारे हमें चैनल को देखना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ जो है एक्सक्यूज़ वो देते हैं, और इसके लिए जो है आप कुछ नहीं कर सकते या हम कुछ नहीं कर सकते, जो प्रोसेस होता है उसी पे जो है हमको रुकना पड़ता है। मगर एक चीज़ यही है कि अगर आपका चैनल हैक हुआ है तो अगर कंफर्म हो जाता है तो आपका चैनल जो है वापस कर देता है, चाहे आपके वीडियोस डिलीट हो, आपका चैनल का नाम लोगो वगैरह सब चेंज हो, तो सारा चीज़ जो है वो दे देता है। मगर तो भाई आखिर में यही कहूँगा ज्ञानी भाई को कि क्या कर सकते हैं भाई, आपके लिए वीडियो ही बना सकते हैं हर कोई, कोई भी यूट्यूबर, मगर इससे ज़्यादा हेल्प कोई नहीं कर सकेगा। सारा चीज़ जो है आपके और टीम के ऊपर है, खासकर यूट्यूब टीम के ऊपर है कि वो कितना जल्दी आपके आपके जो मैटर है उस पर कितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड करता है, या फिर कितने जल्दी आपके चैनल को वापस करता है। प्रोसेस तो ये आप समझ लीजिए कि 1 महीना आपका जो है लग ही जाएगा, क्योंकि मेल का रिप्लाई जो है वो 24 घंटों में भी नहीं देता है, कभी कभी तो वो 2 दिन 3 दिन के बाद जो है देता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप हर रोज़ उसको मेल करोगे तो हर रोज़ आपका जो है मेल का जवाब आएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा यूट्यूब चैनल अगर वो अपने तरफ से मेल करता है तो उसको क्या आएगा मालूम है, उसके उसको यही आएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी मतलब वो रजिस्टर्ड है और उस पर जो है काम चल रहा है, यही रिप्लाई आएगा अगर कोई दूसरा अगर मेल करेगा यूट्यूब टीम को हेल्प एंड फीडबैक में जाके। सो गाइस, जो चीज़ भी हैकिंग के रिलेटेड जो मेरे साथ हुआ और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम हुए, वो चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा इस वीडियो में। आप लोगों में से किसी का अगर ऐसी तरह इस तरह से प्रॉब्लम है, आपका चैनल हैक हुआ है, आप किसी तरह से आप अगर हेल्प चाहते हैं या फिर कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब से रिलेटेड, एडसन से रिलेटेड, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड आप अगर मुझसे हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप मुझे जो है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।